हेलो दोस्तों, आप अपने गार्डन की शुरुआत जीरो बैलेंस से कर सकते हो। आप पॉटूला की छोटी सी कटिंग लगा के भी आप बहुत सारे फ्लावर के लिए तैयार कर सकते हो। पॉटूला बहुत सारा फैल जाता है, ये छोटी छोटी ये पतली पतली डंडियों से ही बहुत सारा हो जाता है। आप स्नेक प्लांट भी लगा सकते हो, इसकी छोटी सी कटिंग लगा सकते हो आप, इससे बहुत सारे प्लांट तैयार हो जाते हैं। देखो इसमें मैंने छोटी सी कटिंग लगाई थी, बहुत सारे स्नेक प्लांट तैयार हो गए। आप अलग गमले में इसे निकाल के ऐसे लगा सकते हो तो आपके और बेबी प्लांट तैयार हो जाएंगे। आप ऐसे करके इसे निकाल के तो आपके इसको अलग से लगा दोगे तो आपके नई बेबी प्लांट तैयार हो जाएंगे। आप सदाबहार का प्लांट भी लगा सकते हो, उसमें बहुत सारी फलियां आती हैं। एक प्लांट लगाने से आपके बहुत सारी प्लांट तैयार हो जाते हैं, उसमें फलियां आती हैं ऐसे, उसमें सरसों की फली जैसी फलियाँ आती है। आप उसे कहीं पर भी डाल दो, किसी भी गमले में अपने आप ग्रो हो जाती है। आप ये नीब ग्लो भी लगा सकते हो, ये भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। इससे आपका गार्डन भी हरा भरा हो जाता है और ये बहुत अच्छी लगती है। ये छोटी सी कटिंग से ही तैयार हो जाती है नीम ग्लो, इसे भी आप अपने गार्डन में शामिल कर सकते हो। इसके बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं नीम ग्लो, ये बुखार में और खांसी जुकाम में भी बहुत फ़ायदे करती है। आप अगर आपको खांसी हो जाए तो आप इसका काढ़ा बना के पी सकते हो, बुखार आ जाए तो इसका काढ़ा बना के पी लो। और अगर आपके मुँह में छाले हो जाएँ तो आप इसके पत्तियाँ चबा लो तो आपके छाले भी सही हो जाते हैं। नीम ग्लो के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, इससे आपके गार्डन की शुरुआत ही हो जाएगी। आप जीरो बैलेंस से आप अपने गार्डन की शुरुआत कर सकते हो। राधे राधे।